नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक एडिडो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके रिगार्डिंग हम समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि ये जो डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, इसका इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम एज ए एमीटर या एज ए वोल्टमीटर की तरह यूज़ करते हैं कर सकते हैं और ये एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जो टेक्निकल स्टडी करते हैं, टेक्निकल जैसे कोई डिप्लोमा हुआ आपका, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए स्टडी या थ्योरी के लिए ये एग्ज़ाम पूछ जाता है। एक सब्जेक्ट रहता है उनका एमआमी जो बोलते हैं हम, तो उसके अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन जो रहता है उसके अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक आपका रहता है। तो उसको हम समझ लेते हैं कि डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रोडायनोमी। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोडायनोमीटर आ जाए या डायनोमीटर आ जाए, आपको ये डायग्राम बना देना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, डायग्राम क्या है, क्या क्या रहता है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो पब्लिश की थी, उसमें हमने बताया था आपको परमानेंट मूविंग कॉइल PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके बारे में हमने समझाया था। तो ये वहाँ पे क्या था, परमानेंट मैग्नेट रहते थे, दो मैग्नेट रहते थे और दो मैग्नेट के बीच में हम क्या रखते थे, मूविंग कॉइल को रखा जाता था वहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट क्या रहता था कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की जगह पे हमने क्या कर दिया, दो कॉइल्स रख दिए हैं। ये कॉइल्स हैं, ये कॉइल भी एक मैग्नेट का काम करती है, परमानेंट मैग्नेट का। ठीक है, जिनको हमने यहाँ पे नाम दिया फिक्स्ड कॉइल। अब ये फिक्स्ड कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल जो परमानेंट मैग्नेट का काम करेगी, मतलब इसमें जब सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। इसके बीच हमने एक कॉइल रख दी है, ये मूवेबल कॉइल है। ठीक है, अब इस मूवेबल कॉइल से क्या हुआ कि एक पॉइंटर स्केल का अरेंजमेंट कर रखा है। ठीक है, अब ये जितनी ये कॉइल में डिफ्लेक्शन आएगा, मूव होगी, उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर मूव होगा, उससे हमको जो है स्केल पे क्या मिल जाएगा, हमको आउटपुट मिल जाएगा, जिस पैरामीटर का, करंट का या वोल्टेज का हमको मेजरमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसकी कस्टमर कहने का मतलब, इसमें दो कॉइल्स रहती हैं और जो कि फिक्स्ड रहती हैं, और एक मूवेबल कॉइल रहती है जो कि फाइन वायर, पतले वायर इसकी बनी होती है, जिसको हम जनरली वोल्टेज कॉइल बोलते हैं, और ये दो फिक्स्ड कॉइल है इनको जनरली करंट कॉइल बोला जाता है। ठीक है, पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट ये हो गया। अब ये काम कैसे करता है कि पहले बता दें, ये आपका है सिर्फ डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है या इलेक्ट्रोडायनामिक, जब इसको अमीटर या वोल्टमीटर तरह करेंगे उसका थोड़ा डायग्राम चेंज हो जाएगा। अमीटर मतलब कि जहां पर सिर्फ करंट का मेजरमेंट करना होता है तो अमीटर तरह डायनामोमीटर यूज करेंगे, या वोल्टेज का मेजर करेगा तो उसका वोल्टेज मेजर करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्राम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पर हम बात करें जिस सिग्नल का हमको मेजरमेंट करना है तो उसको हम देते हैं यहाँ पे सप्लाई वोल्ट, यहाँ पे आपका सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी जो फिक्स्ड कॉइल हैं, इन फिक्स्ड कॉइल में एक फिक्स्ड आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। हम जानते हैं जब किसी इंडक्टर में या किसी कॉइल में जब सप्लाई फ्लो की जाती है, करंट फ्लो की जाती है, तो वहाँ पे करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसको कॉइल फील्ड बनेगा। और यहाँ पे दो कॉइल यूज़ क्यों करते हैं, दो कॉइल यूज़ इसलिए करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो बैलेंसिंग बने। एक कॉइल होता तो क्या होता है, ये इसको रिफ्लेक्ट करता या अट्रैक्ट करता कॉइल को, तो फिर ये कॉइल आपकी सही से काम नहीं करती, इसलिए दोनों फिक्स बनता है। तो ये ना ही आप रिफ्लेक्ट ना ही अट्रैक्ट, मतलब ये फिक्स पोजीशन पे ये बनी रहती है मूविंग कॉइल। अब क्या होता है कि जैसे जिस जगह पे हम जिस सिग्नल का हमको मेजरमेंट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होगा, कॉइल में आपका डिफ्लेक्शन आएगा। इस कॉइल में कैसे आएगा कि आपका जैसे मान लीजिए हमको करंट मेजर करना है ना, या कोई सिग्नल है अब आपका वह कन्वर्ट होके फिजिकल सिग्नल है, वोल्टेज फॉर्म में रहा तो उसको मेजरमेंट करना है, तो उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ही इस कॉइल में क्या हुआ, यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो जो सिग्नल आपका इनकमिंग सिग्नल है, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग, यदि इनकमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग यदि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कहने का मतलब वो सिग्नल जैसे जैसे बेरी करेगा, कम ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये कॉइल में आपका मूवमेंट होगा। नाम इस कॉइल का है मूवेबल कॉइल, तो ये कॉइल मूव करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंटर मूव करेगा, और उसका डिफ्लेक्शन हमको जो स्केल पर देखेगा उसको हम डायरेक्टली रीड आउट कर लेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो इतना डिस्प्ले हो रहा है, इतना डिफ्लेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट द्वारा मेयर कर ले, ये रहता है इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हम आपको बेसिक बता रहे हैं, आपको थ्योरी जब आप एग्जाम में तैयार करोगे इसको पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, पहले वर्किंग प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, फिर आपको पहले प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग आपको लिखना पड़ेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन रहती है उसको मैंने थोड़ा सा लिखा है, आपको ये थोड़ी इक्वेशन आप ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में लिखेंगे अच्छा रहेगा। तो इक्वेशन होती है TD = NVIL V। ठीक है,
टीडी क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है, बी है फ्लक्स डेंसिटी, आई फॉर करंट है, एल फॉर लेंथ ऑफ कॉइल है, एंड बी ऑफ विड्थ ऑफ कॉइल। ठीक है, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्न्स और आपका ये फ्लक्स डेंस नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स रहेगा, विड्थ ऑफ कॉइल फिक्स रहेगी। इसके बाद जैसे करंट वैल्यू, ये लेंथ भी हम फिक्स कर देंगे, करंट वैल्यू होगी, उसके कारण आपको अकॉर्डिंगली आपका फ्लक्स डेंसिटी जो है वो चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग हमको डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज की बात करें हम, तो का एडवांटेज मैंने बताया कि आपको एसी एंड डीसी दोनों सप्लाईज में इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यानी कि मैग्नेट का यूज करते हैं, इस कारण इसमें हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता, साथ में एडी करंट लॉस भी नहीं होता, और बहुत ही प्रीसीजस वैल्यू यानी कि बहुत ही कम माइनर जो आपकी वैल्यू से क्वांटिटी उसका भी हम मेजरमेंट इसमें के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म मापन के लिए भी इसके यूज हम कर सकते हैं एडी करंट जो डायनामोमीटर है इसका। और दूसरा इसमें यह है कि आपको बताएं कि, तो ये छोटा सा एक बेसिक ओवरव्यू हमने आपको देने का प्रयास किया डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में, जिसको हम जनरली बोला जाता है इलेक्ट्रो, बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रो से आ जाए आपको या डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो आपको डायग्राम बनाना है, और एक आपका रहता है डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट लेकिन अमीटर रहता है, डायनेमो टाइप अमीटर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट या डायनेमो टाइप वोल्ट मीटर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, उनका डायग्राम डिफरेंट रहेगा, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिला होगा डायनेमो टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स का। ये एसी एंड डीसी दोनों काम करता है, इसमें दो फिक्स्ड कॉइल रहती है, एक मूविंग कॉइल रहती है, फिक्स्ड कॉइल मैग्नेटिक का काम करती है, परमानेंट मैग्नेट का जब सप्लाई आती है, फिक्स कॉइल में आपका क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, डिफ्लेक्शन कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है एज पर इनपुट सिग्नल या जिसको मेजरमेंट करना है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग, और उस डिफ्लेक्शन को पॉइंटर स्केल द्वारा मेजरमेंट कर लेते हैं। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल और बेसिक कंस्ट्रक्शंस है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो में बताई गई थोड़ी बेसिक स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, और आप चाहते हैं इस प्रकार और अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे अशोक एडिटर यूट्यूब चैनल को, साथ में दबाएं बेल आइकन का, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।